बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो इस्लामिक बयान चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है कंजूस दो तरह के होते हैं बाय मुफ्ती तारिक मसूद। कंजूस दो तरह के होते हैं। हाँ जी, वैसे तो कंजूस कंजूस ही होता है तो उसमें तरह का क्या ही है, बट इसमें भी मुफ्ती साहब बता रहे हैं कंजूस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। और इस्लामिक बयान से है ये वीडियो और आपको बताना चाहेंगे मुफ्ती साहब का अपना खुद का चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, आप चाहो तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कंजूस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजूस। ये देयर आर टू टाइप बहुत जगहों पे मेरे बयान में आजकल आ रहा है, इससे याद रह जाता है। इंग्लिश में कंजूस को क्या कहते हैं? माइजर। उर्दू में क्या कहते हैं? कंजूस। और कोई लफ्ज नहीं है। अरबी चूंकि बलीग जबान है ना, तो अरबी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजूसिस। कंजूस लोगों की कितनी टाइप्स हैं? दो। एक को बखील कहा जाता है और एक को शही। शीन हलवे वाली है, फिर या फिर हलवे वाली है, ये आसानी से समझ में आती है। हलवे वाली है आसानी समझ में आ जाती है ना, हाँ बोलता तो समझ में नहीं आ रहा होता। इसको कहते हैं शहीह। बखील कहते हैं अपनी दौलत पे सांप बन के बैठ गया, लोगों पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, खुदी में लगा रहता है। कंजूस शहीह यानी शह कहते हैं कमबख्त अपने ऊपर भी खर्च ना कर रहा हो। है भाई एक तो होता है ना पब्लिक के लिए सखी नहीं है, सारा बचा बचा के खुद ही खाता रहता है। जैसे वो एक कंजूस बाप था, ये किससे जो पहले से बयान सुन रहे हैं उन्हें बहुत दफ़ा सुन लिए होंगे, नए नए लोग आते हैं तो सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। अरब में ना बाप दादा की शायरी पे फ़ख्र का रिवाज बहुत ज़्यादा था। बाप दादा की शायरी पे फ़ख्र के, मेरे अब्बा ऐसे, वो कहते हैं मेरे अब्बा ऐसे। तो एक शायर ने अपने बाप की सखावत शायरी में बयान की और मुकाबला जीत गया कि मेरे अब्बा ऐसे सखी, मेरे अब्बा ऐसे सखी, कभी दस्तरखान नहीं लपेटा गया उनका और देग हमेशा चूल्हों पे जलती रहती थी और लोगों का तांता, ऐसी शायरी की है कि मुकाबला जीत गया भाई। एक दिन एक बंदा उसके घर में मिलने के लिए आया तो देखा कि उसका जो अब्बा है ना, जिसकी सखावत बयान करके ये मुकाबला जीता था, उस अब्बा को देखा कि बकरी के थन से मुंह लगा के दूध पी रहे हैं। उसने बोला यार ये आपके अब्बा क्या कर रहे हैं? उसने कहा असल में अब्बा मेरे जो है ना, ये जब गिलास में दूध निकालेंगे तो धार की आवाज़ सुन के बच्चे आ जाएंगे दूध मांगने, अपने ही बच्चे अब्बा के, दूसरे भाई हैं इनके, तो मेरे अब्बा को ये पसंद नहीं है कि ये दूध बच्चे पिए, इसलिए बच्चों को आवाज आ जाए जो डायरेक्ट थनों से दूध लगा के कह रहे ये वो अब्बा है जिनकी सखावत बयान करके मैंने मुकाबला जीता है। लेकिन ये अब्बा बखील था, शहीह नहीं था। अपने ऊपर तो खर्च कर रहा है ना कि चलो बच्चों पे नहीं खिला रहा, कम भगत खुद ही पी रहा है सारा दूध। वो देसी घी वाला भी सुनाना पड़ेगा यार, क्या करें यार। वो एक कंजूस आज जल्दी जल्दी सुनाऊंगा जो कई दफा लोगों ने सुना वो फिर बोर हो जाते हैं। एक कंजूस देसी घी लेकर आया, डब्बा लेकर आया तो बच्चों से कहा कि इसको खोलना नहीं है, डब्बे से लगा लगा के खाओ ना, क्योंकि बाहर भी चिकनाई होती है ना। जब ये डब्बा बिल्कुल चिकनाई खत्म हो जाएगी ना, फिर डब्बा खुलेगा अंदर से। इसी दौरान इसका सफर हुआ तो इसने इस खतरे से कि डब्बा बच्चे खोल ना ले, अलमारी में लॉकर में डब्बा बंद करके चला गया। एक महीने बाद आया, बच्चों से पूछा देसी घी तो नहीं, डब्बा तो नहीं खोला? नहीं अब्बा। फिर क्या करते थे? अब्बू अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। एक थप्पड़ मारा उनको, कह रहे कमबख्त कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड कंजूस। ये सही नहीं है क्योंकि खुद तो इस्तेमाल करेगा ना, चुप चुप के खाएगा, तो वो भी जो बकरी के थनों से मुंह लगा के दूध पी रहा है, कम से कम खुद तो पी रहा है ना। और कंजूस की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ये है कि खुद भी ना पिए कि दूध कम ना हो जाए, थनों में दूध जमा होते धोने दे रहा है यार कहीं कम ना हो जाए, फिर दो दो कतरे निकाले कहीं सूख ना जाए, बस इतना। तो ये आज मुआशरे में, पहले तो हम इन चीज़ों को लतीफ़ा और मजाक समझते थे,
लेकिन जब आदमी चलता फिरता है ना, देखो हमने तो 8-10 साल उलमा के साथ गुजारे, पब्लिक से हमारा रिलेशन ही ख़त्म हो गया था। जब मदरसों में गए ना वो सारे दोस्तियाँ यारियाँ छूट गई, बिल्कुल एक उलमा सुलहा के साथ बैठना, उनकी सखावतें हमने इतनी देखी हम हैरान होते थे। जब पब्लिक में दोबारा जाना हुआ ना तो फिर एक अजीब माहौल नज़र आया कि यार ये क्या हो रहा है। तो हमने ऐसे लोग भी देखे दूसरों पर खर्च नहीं करते, और ऐसे भी देखे जो अपनी जान पर भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बचाओ 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 बचाओ, भाई तू खरीद ले गाड़ी यार, क्या जा रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम ले भाई तू। अच्छे लोग भी मिलते हैं। एक साहब का वजन जरा ज्यादा था, वो गाड़ी में 2 सीटें बुक कराते थे जब भी बस में जाना होता ना। मुझे कहने लगे यार मैं थोड़ा सा भारी हूं तो मुझे चिपक के बैठना पड़ता है, तो पिछली आधी सीट मैं ले लेता हूँ, ड्राइवर से बोलता हूँ इस पर 2-3 बंदों से ज्यादा नहीं बैठेंगे, मैं डबल टिकट दिया है। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार सहूलत के लिए इंसान पैसे कमाता है तो सफर तो तमीज से गुजर जाए ना, तो पैसे खर्च करना सीखो अल्लाह के बंदो, जो काम पैसों से हो सकता है वो खुद नहीं करो, ठीक है ना। जो अल्लाह ने अगर दिया है पैसा खुद कुछ और कर लो, फिर टाइम बचाओ अपना। तो मेरी आदत पता है क्या है, मेरे पास अगर पैसे होते हैं तो मैं अपना टाइम को बचाने की बड़ी फिक्र करता हूँ। बिल्कुल, अभी गाड़ी पंचर थी, पंचर भी नहीं हवा कम थी, तो मैंने किसी से कहा यार तू डलवा के ले आ, मेरे दिल में सोचा इसको ज़्यादा पैसे दे दूंगा मैं, जितना इनके बनते हैं थोड़े से क्या हो जाएंगे, ये काम भी इन्हीं से ले लो यार, अपना टाइम में किसी और चीज़ में लगा लो, ठीक है ना। अगर है अल्लाह ने दिए हैं, बाज़ दफ़ा होते हैं बाज़ दफ़ा नहीं भी होते हैं, आदमी खुद ही धक्का लगा के बाइक को घसीट के ले जा रहा होता है तो वो भी ठीक है। तो जब हो तो अलग हुक्म है, जिस दिन जेब में नहीं है तो फिर अलग हुक्म है। बिल्कुल हाँ जी, तो देखो जो लास्ट चीज पार्ट था ना वो वहाँ से शुरू करते हैं। टाइम की वाकई में वक्त की बहुत वैल्यू है, और बिल्कुल सही, अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया है तो हमें अपना वक्त बचाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना वक्त को वो समझते नहीं है। मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो शॉपिंग करने जाते हैं, 1000 रुपये वहाँ शॉपिंग पे लगा देते हैं, बट पार्किंग वाले से 10 रुपये के लिए वो लड़ रहे होते हैं। पार्किंग वाले से लड़ रहे होते हैं 10 रुपये के पीछे, 10 रुपये बच जाएँ, बट शॉपिंग में 1000 रुपये वो बर्बाद करके आए थे, वहाँ ना कोई डिस्काउंट मांगना ना कुछ मांगना। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं देखे हैं। और वाकई में एक टाइम ऐसा आता है हर इंसान की लाइफ में कि जब उसके टाइम की वैल्यू ज़्यादा होती है, जब वो पैसा पैसा नहीं, वो टाइम ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि वो जो अपना जो उसका टाइम होता है उस टाइम में जो भी एफर्ट करता है ना, तो वो एफर्ट कितना अच्छा होता है कि उसका पैसा अपना बनना शुरू हो जाता है। तो टाइम इज़ मनी। एक टाइम बाद जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, जॉब करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, तो वक्त की कीमत हमें पता लगती है कि वक्त बहुत ज़्यादा वो है। इवन अपने लिए भी वक्त नहीं निकल पाता, अपने घर वालों के लिए वक्त नहीं निकल पाता, बट हमें निकालना चाहिए, क्योंकि हम आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ही कमा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो इनके लिए ही वक्त हमें निकालना चाहिए। मैं मेरे को तो उस बात पर हंसी आ रही है, तो वो बकरी के जो थानों से डायरेक्ट पी लिया, और दूसरा वो 1 महीने के लिए गए बाहर और अलमारी के अंदर ही रह गए। और उससे पहले जो पॉइंट वाली बात थी कि अभी डब्बा खोला भी नहीं है, जो बाहर लगा हुआ उसी उसी को ख़त्म करना है, पहले चिकनाई ख़त्म करो। ये पता पहले क्या था, ये एक कंपटीशन था जहाँ पर एक शायर ने अपने पिता का बयान किया कि जब वो बैठते हैं तो ऐसा हाई फाई वो बड़ा चढ़ा के बोला, एक्चुअली ऐसा है असल में कुछ था नहीं, बट उसने बड़ा चढ़ा के इतना बोला ये बोला, तो वो कंपटीशन जीत गया। कोई एक बंदा घर पे आया, उन्होंने देखा भाई ये है इसके पिता, तो इसके जो फादर है वो तो बकरी के थानों से जो मुँह लगा के पी रहे हैं कि भाई कहीं थानों से दूध निकाले, गिलास में आवाज़ आ जाए और वो सुन के बच्चे आ जाए और मांगने लग जाए। तो बढ़िया था, सही था ये, और घी वाला तो वाकई में बहुत बढ़िया लगा। उस टाइम पर ना मेरे को कुछ याद आया था कि बच्चों को मतलब ऐसा होता है, मतलब ये तो चलो कंजूस टाइप नंबर हो गए थे, लेकिन जब बच्चों के सामने कुछ खाने लगो ना तो फौरन सारे आके चिपक जाते हैं, तो कभी कभी चुप के खाना पड़ता है बच्चों से। देखो अगर एक एक दो बच्चे हो तो फिर ठीक है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा हो ना तो फिर छुप के देख खाना, क्योंकि जो आपके साथ आ जाए वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं बच्चों में खत्म हो जाएगा। सही बात है। हाँ, या तो ये कि पहले बच्चों को खिला दो, भाई तू पहले बच्चे तुम खा लो पहले, फिर हम बाद में खाएंगे, आदत भी सही रहेगी। हाँ, फिर वो कहता चल हमने तो खा लिया, दिल भर गया, अब जो खा रहा है खाने, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं गाइस, इस्लामिक बयान चैनल से थी वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।